तो दोस्तों आज जो हम है बॉडीजेट फिटिंग करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर बॉडीजेट लगने वाला है, लेकिन इसका जो ग्रुप है ना, मतलब पहले डायवर्टर का सिस्टम था यहाँ पे, और यहाँ पर डायवर्टर का सिस्टम होने की वजह से कंसील जो है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो क्या कंसील है, कैसे है सिस्टम। तो पूरा लाइव फिटिंग करके बताऊंगा आज इसमें, और बॉडीजेट भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, और कंसील कैसे काटना है वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो है देख लीजिए, कोलर का डायवर्टर है, थर्मोस्टेट, ओके, ये 5 मूव वाला है, मतलब आपका दो जो है आपका इनलेट है, एक बायां साइड से जो है आपका लेफ्ट साइड से हॉट एंड कोल्ड राइट, ओके, बाकी आपका 3 साइड जो है वो आपका स्पाउट में जाएगा, एक जो है आपका शावर में जाएगा, एक आपका बॉडीजेट में जाएगा, और उसका बॉक्स जो है ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये लेवल दिया है, वाटर लेवल, जो बबल लेवल बोलते हैं, स्ट्रेट देखने के लिए इधर लिखा है हॉट एंड कोल्ड, और ये जो आउटलेट है 3 देख लीजिए, ओके। तो ये अभी हम फिटिंग करके पूरा लाइव दिखाने वाले हैं। तो इसका जो कंसील सिस्टम, मतलब आप पहले कंसील करेंगे, आप कंसील जो पहले करेंगे वो कैसे सिस्टम से करेंगे, मतलब यहाँ तो आप देख रहे हो कंसील्ड हो गया। हम लोग क्या है, अक्सर कभी भी कंसील करते हैं बॉडीजेट में, हमेशा बार बार छेनिया थोड़ा अक्सर चलाना पड़ता है। देखिएगा आप बॉडीजेट फिटिंग करते हो, ये थोड़ा छेनिया थोड़ा फिर से थोड़ा, तो ऐसा सिस्टम से करिए ताकि, मतलब आप तो फिटिंग करते हो मानता हूँ, लेकिन हमेशा बॉडीजेट में आप लोग छेनिया थोड़ा अक्सर चलाते रहते हो। तो एक बार में कंसील ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काटने की कोशिश करिए। तो यहाँ मैं समझाऊंगा पहले आप लोगों को कंसील कैसे काटा जाता है, ओके, एक दो चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, उसके बाद मैं फिटिंग करूँगा। अब देख लीजिए ये जो बॉडीजेट है, मतलब यहाँ थर्मोस्टेट लग गया, थर्मोस्टेट में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये लगा देते हैं थोड़ा सा लगाने के बाद फिर देखते हैं, फिर कंसील काटते हैं, फिर पाइप थोड़ा सा फिटिंग कर लेते हैं, फिर लग रहा है नड़ रहा है, फिर कटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, कभी भी जो आप करते हो, मतलब परफेक्ट आप इसका कंसील पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो फिटिंग करने में जल्दी होएगा और आसानी भी होगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए मैं कैसे कटिंग किया हूँ, ये है आपका बॉक्स, इसमें मिनिमम एसियम मैं आपको दिखाया। तो यहाँ पर जो है मैं इसे क्या किया, ऐसे रखा हूँ, ये बॉक्स जो है पूरा देख लिया खोल के, ये बॉक्स नड़ नहीं रहा है, तो ये जो हो गया मेरा परफेक्ट हो गया। हालांकि हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा तो मुझे तोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं तोड़ेगा, टूटेगा थोड़ा थोड़ा, बट फिर भी एकदम परफेक्ट तरीके से अच्छे से ज्यादा 95% कंसील जो है पूरा फिक्स हो गया है। अब बॉडीजेट में जहाँ बॉक्स लगता है, जैसे कि ये जो बॉक्स है, हम लोग बॉक्स में कहीं पे भी एकदम देख रहे हो, ये देख लीजिए ये जो बॉक्स है, हम लोग बॉक्स कभी भी लगाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरा बॉक्स निकलते हैं, ये बॉक्स है, हम लोग कभी भी कंसील दिखते हैं तो ऐसा लेवल में पहले बॉक्स लगा कर, हाँ बॉक्स हो गया, तो इसी लेवल में हम लोग कंसील कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ब्रास एल्बो लगाइए पीछे, उसके बाद ब्रास एल्बो जितना पीछे आएगा वो देखिए, और इधर से आपका जितने में बाहर होना चाहिए, तो मैं फिटिंग करते हुए बताऊँगा, ये बाहर रहेगा, और ब्रास एल्बो लगाने के बाद आपका ऐसा देखिए, ऐसा देख लीजिए, उसके बाद जितना कंसील आ रहा है उस कंसील स्ट्रेट में पूरा आपका जिधर जिधर बॉक्स आ रहा है पाइप ले वो कंसील होना चाहिए। जैसे कि यहाँ कैसे करेंगे, पाइप लगाइए आप, कंसील आप देख लीजिए मेरा कंसील सही है कि नहीं, तो मेरा यहाँ जो है कंसील पूरा सही है, फिर हमें ऐसा चेक कर लीजिए सभी में बॉक्स आपका परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, वो भी आप चेक कर लीजिए, हो गया। अब जो है हम फिटिंग करेंगे पाइप लाइन, तो इस सब हम आगे पहले थोड़ा इस सब टान लेते हैं फिटिंग करके, चलो। ये हो गया, अब ये निकल रहा है तो निकलने दीजिए, तब तक मैं ये फिटिंग कर लेता हूँ। ये आपका जितना दीवार से जैसा आपका जहाँ पर भी जो प्लानिंग होता है, तो उतना दूर आप उतना हिसाब से रखिए। जैसे कि यहाँ मेरा 22.5 इंच पर है, तो 22.5 इंच में रखूंगा, ये हो गया 22.5। Thank you.
यहाँ पर ये मैं रूच लगाकर मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद ये जो है ये मेरा टुकड़ा निकल गया आधे इंच का। अभी मैं इसका ये लगा देता हूँ। पांच मिनट रुक जा, उसके बाद पानी चल हो जाएगा। रुक जाओ, उधर में पानी है नहीं, उसके लिए नहीं आ रहा। ये मैं चेक कर रहा हूँ जो मतलब पैकिंग टुकड़ा में ये टुकड़ा आपका नड़ेगा कि नहीं वो देख रहा हूँ, तो पैकिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मुझे एक फिक्स टुकड़ा काटना पड़ेगा यहाँ पे। और 48 को अभी भी फिटिंग करते हो फिक्स टुकड़ा मतलब बैंड बनाना है तो इधर एक लाइन आता है 48 में, तो वो चीज का हमेशा ध्यान दो। और बैंड में भी लाइन आता है, तो वो जो आप फिक्स करेंगे ना ऐसा, तो आपको हमेशा इजी पड़ेगा। ठीक है, ये चीज का हमेशा ध्यान देना है। तो एक साइड फिटिंग करके आप पैकिंग काट लो। ऐसे आप मेजर सुधी देख सकते हो या फिर ये लगा के आप एंगल देख सकते हो। ये हो गया मेरा परफेक्ट। इसे मैं नॉर्मली छोटा वाला लगाऊंगा, एक हमेशा पाइप सफाई करके काम करो, नहीं तो नल में अक्सर कचरा जाता है। ऐसे काम करो कंसील बार बार काटना ना पड़े, एकदम परफेक्ट हो गया। अब बने के बाद इसे आप निकाल लो। ये जो है हमारा बॉडी वेट का लाइन जा रहा है फिलहाल, तो इसे मेजरमेंट कर लेते हैं। 3/4 इंच ओके, कहीं एमएम में कहीं इंच में जहाँ जैसा होता है वैसे पकड़ लेना पड़ेगा। आप बोलोगे हमेशा इंच में बताओ या फिर एमएम में बताओ, ये नहीं चलेगा।
और यहाँ पर जो घीसी टूटा है ये पहले मतलब काम हुआ था डायमीटर के जैसा काम हुआ था, इसके वजह से ऐसा कंसील जो है खराब दिख रहा है। और आप लोग बोल रहे थे लाइव वीडियो बनाओ, सिर्फ समझाओ मैं, तो इसलिए आप लाइव बना रहा हूँ। वीडियो बने रहो और वीडियो को लाइक करो, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऐसी वीडियो तो बहुत आते रहेगा, ऐसे क्या बहुत सारे वीडियो आते रहे। ये जो है मुझे यहाँ थोड़ा सा एंगल देखने के लिए एक थोड़ा सा टुकड़ा एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा, 7.5 इंच का मैं काट रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर क्या करेंगे हम इसे एक बार चेक कर लेंगे, मतलब अपना एंगल में आ रहा है कि नहीं, कम से कहीं झाड़ना ना पड़े, नहीं आ जाएगा तो ऐसा चेक करो पहले, फिर फिट करो। अब देखो बॉडी जब फिटिंग कर रहा हूँ लेकिन पांचों बार नहीं लग रहा है, ये पांचों बार इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है एक साइड सिर्फ बॉडी जेट हो रहा है, मतलब सिर्फ वन साइड, इसकी वजह से। अब हो गया, अब यहाँ पर जो है मुझे एक स्ट्रेट लाइन निकालना पड़ेगा, मतलब इससे मुझे 8 इंच सेंटर लेना पड़ेगा क्योंकि सिंगल साइड है, डबल साइड रहता तो मैं 7.5 इंच लेता, तो अभी ये सिंगल साइड है तो ये जो है इसका सेंटर से मुझे यहाँ का 8 इंच लेना पड़ेगा और 8 इंच सेंटर में एक लाइन आएगा। ओके, अब देख लीजिए मैं 8 इंच सेंटर कैसे निकाल रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर रखा समझ लीजिए। ओके, यहाँ से 8 इंच आप पकड़े सेंटर और यहाँ पर इसे उठाकर चेक कर लीजिए। ओके, ये हो गया मेरा 8 इंच, 8 इंच तो हो गया, यहाँ पर ऐसे दबा कर रख के इसे स्ट्रेट कर लेना, ये हो गया मेरा स्ट्रेट। अब इसे परफेक्ट ऐसा पकड़ना है, अब थोड़ा कैमरामैन को पकड़ना पड़ेगा नहीं तो मुझे मार्किंग करने में तकलीफ हो जाएगा, मेजरमेंट लेने में। यहाँ ये पाइप पकड़ो, ये हुआ, अब ऐसे लेकर कैमरा तो मतलब परफेक्ट है। अब ये हो गया मेरा 185। ओके, 185 mm हो चुका है। चलो अब जो है ये मैं काट लिया हूँ 185 mm। अब जो है एक नॉर्मल टुकड़ा मैं लंबा लिया। ओके, और ये है मैं इधर इधर फिटिंग कर दूंगा। ठीक है, ये टुकड़ा इसलिए लगाया हूँ ताकि मुझे स्ट्रेट पता चले इसका। ओके, इसलिए मैं ये दिया हूँ और इसमें स्टापना हूँ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एक एक्स्ट्रा टुकड़ा हमेशा होना चाहिए आपके पास, तो आपका काम भी अच्छा होएगा और कोई स्टाप भी नहीं होएगा। ओके, अब ये तो हो गया मेरा, ये स्ट्रेट भी हो गया, ये आपका कंसील भी हो गया। इसके अंदर आपको बॉक्स देखना है, इसके ऊपर जो है आपका एक बार ट्राई कर लेना है, ऐसे ये आपका बॉक्स अंदर हो रहा है, मतलब ये जो पाइप है इसके ऊपर ग्लास एल्बो आएगा तो आधा इंच आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा अंदर कंसील्ड है, आधा इंच आएगा तो 10 mm में बाहर रहेगा। और इसके सिस्टम मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, तो वीडियो बनी रहिएगा, ये भी बताने वाला हूँ, तभी मैं ये फिटिंग कर लेता हूँ। ये फिटिंग करने का सिस्टम क्या है, ये जो है आप देख लीजिए इसमें बॉक्स आता है, ये देख लीजिए ये नॉर्मल बॉक्स है। ठीक है, और इसमें आपको ब्रास एल्बो पीछे लेना है या ब्रास टी जो भी लगना है लगेगा आपको वो लगाना है, और इधर से आपको प्लाक लगा देना है। ओके, उसके बाद आपका जहां पर भी ये बॉक्स आएगा रखिए, उसके बाद इसे आपको डायरेक्टली ऐसा लेना है जहां पर आपका आएगा बॉक्स वहां देख लीजिए वो परफेक्ट है कि नहीं। और ये लगाने के बाद आपका एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना दूर है, मतलब इसका मेजरमेंट तो बताऊंगा, मतलब एक चीज बता रहा हूँ आपका फ्लोर से ये कितना हाइट होना चाहिए वो चीज हमेशा आप ध्यान दीजिए जब मेजरमेंट लेंगे, ये चीज का ध्यान देना है। दीवार से आपका जितना छूट के रहना चाहिए वो आपको देख लेना चाहिए, मतलब यहाँ से 8 इंच है, 8 इंच के बाद आप यहाँ पर तो स्ट्रेट आपका मार्किंग नहीं है, कंसील हो गया है, तो आपका यहाँ पर अगर स्ट्रेट मार्किंग रहता है कहीं पर भी तो उसे आप देख लीजिए, या फिर दीवार से देख लीजिए कितना है,
तो ऐसे स्ट्रेट आपको देख कर फिर से मेजरमेंट करना पड़ेगा। ओके, जो है ये मेरा सही है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार। मेरा तो 14 इंच रहना चाहिए, तो मेरा जो है परफेक्ट 14 इंच है। अब नीचे से जो है मेरा वो मेरा 28-42 इंच सेंड डालना चाहिए, तो भी मुझे चेक कर लेना पड़ेगा। भाई से ना नीचे देखो, कैमरे में देखा तो नीचे, ये देख लो एक मार्किंग जो है वहां पर मेरा 22 इंच वो फ्लोर है, ठीक है, तो वहां से मार्किंग से मेरा 22 इंच पकड़ूंगा। और यहाँ पर जो है ऊपर ब्रा सेल को देखो, ये ब्रा सेल ना अपना 52 इंच बिल्कुल परफेक्ट सेंटर होना चाहिए। तो ये चीज आप देख लो, उसके बाद आपका मेजरमेंट जो है ब्रा सेलो में जितना इंच का टुकड़ा लगेगा उसे आपको मेजरमेंट कर लेना है। बॉडी हेट में अक्सर दो आदमी लगता है, तो गलती होता है, और मैं यहाँ अकेला अकेला कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 4.5 इंच।